चंदौली में सड़क पर टहलते हुए तेंदुए देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के चंद्रभा वन्य जीव सेंचुरी से सटे कोइलवरा हनुमान मंदिर के जंगल में काफी दिनों बाद से तेंदुए को घूमता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान कैमरे में इसकी हलचल कैद हो गई। आपको बता दें कि चकिया नौगढ़ मार्ग से कोइलवरा हनुमान मंदिर जाने वाले मार्ग पर तेंदुए को कुछ सैलानियों ने देखा था। सैलानी कोइलवरा हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक तेंदुआ सड़क पर टहलते हुए दिखाई दिया। तेंदुआ देखकर कार सवार सहम गया। उन्होंने कार के अंदर से ही तेंदुए का वीडियो बनाया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी। ये हम लोग हैं राजदरी हनुमान जी वाले रास्ते पे और ये देखिए एक लेपर्ड है यहाँ पे। पहली बार मैं देखा हूँ इसको। अब ये खुला हुआ है, ये देखिए। ये हम राजदरी वाले में कोलेरवा हनुमान जी वाले रास्ते में है और देखिए यहाँ पे आप। वहीं वन सेंचुरी में तेंदुए के सड़क पर टहलने के मामले की जानकारी होते ही वन विभाग हरकत में आ गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शाम को लगभग 6 बजे वहां कुछ लोगों के द्वारा तेंदुआ देखा गया और उसकी सूचना मुझे दी गई, तो मैंने तेंदुआ की बात अपने अधिकारियों से बताया और मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी कोलेरवा हनुमान जी की तरफ दर्शन के लिए जाते हैं या उधर पिकनिक मनाने जाते हैं वो अभी फिलहाल उधर जाना बंद कर दें और इस विषय में लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और वन विभाग फौरी तौर पे उस पर निगाह बनाए हुए है और आगे जो भी होगा उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अभी कोइलवरा हनुमान जी के मार्ग पर आवागमन ना करें। घना जंगल होने के कारण वहां खतरा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।